मई 2016 में हुई, लेकिन ये बहन कंसीव नहीं कर पा रहे थे। ये डॉक्टर्स के पास गए, टेस्ट करवाए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। 2 साल तक ये दवाइयाँ खाते रहे लेकिन कंसीव नहीं कर पाए। फिर डॉक्टर ने इन्हें बोला कि आप कभी माँ बाप नहीं बन सकते। उसके बाद ये 2016 में आपकी मैरिज हुई। हाँ जी। और मैरिज के बाद कोई भी बेबी ब्लेसिंग आपके पास नहीं थी। नहीं। 2 साल तक आप कह रहे हैं कि आपने दवाइयाँ भी कराए, चेकअप भी कराए, और डॉक्टर ने आपको क्या बोला उस समय पर? डॉक्टर से सारा रिपोर्ट चेक करवाया तो बोला रिपोर्ट सारा ठीक है। और फिर मैंने पूछा जो प्रॉब्लम क्या है, डॉक्टर से तो पूछा, बोला किसी और सीधे जवाब दे दिया कभी बाप नहीं बन सकते हो। डॉक्टर ने, डॉक्टर की ये वर्डिंग थी कि आप कभी माँ बाप नहीं बन सकते हो। जी पास्टर जी, उसके बाद ये बापों और तांत्रिकों के पास जाने लगे और वहाँ पर ये बता रहे हैं इनका बहुत ज़्यादा खर्चा वो करवाते हैं, और कभी इनको कपड़े, कभी बर्तन देने को बोलते तो कभी कुछ, और धागे ताबीत दे दिए डालने को और भभूत लगाने को। लेकिन ये बता रहे 6 महीने वहाँ जाते रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उल्टा ये बता रहे इनकी पत्नी और ज़्यादा बीमार रहने लगी, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। आपस में ये लड़ाई झगड़ा करते, मारपीट करते, यहाँ तक कि भाई खाना खाते नहीं थे, थाली उठाकर फेंक देते थे। और ये बहुत ज़्यादा निराश हो गए थे और सोचने लगे कि अब कभी ये माँ बाप नहीं बन पाएंगे। पास्टर जी ये बता रहे हैं उसके बाद इनके माता पिता, इनके मित्र, इनके रिश्तेदार सब इन्हें ताने देने लगे और भाई के ऊपर प्रेशर डालने लगे कि ये दूसरी शादी करवा लें। और बता रहे हैं 2019 में किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये दोनों के एमएम चर्च आने लगे। और बता रहे हैं कि जब 4 साल हो गए चर्च आते हुए तो ये बता रहे हैं कि सब जने बोलने लगे, घर के भी, मित्र भी, रिश्तेदार भी, कि चर्च जाते हुए 4 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो कभी कहते चर्च जाना छोड़ दो और कभी कहते इस चर्च को बदल दो। और ये बता रहे हैं जब भी ये किसी को सुसमाचार देते वो इन्हें पागल बोलते। जब सुसमाचार बताते थे लोगों को तो लोग आपको कहते थे? जब कंपनी में या कहीं पर मैं रिश्तेदारों को सुख समाचार देते थे तो उन्होंने कहा तेरा क्या दिक्कत था, परेशानी था, तूने गया था तेरा क्या होगा। मतलब मेरे पास बच्चे नहीं है लेकिन मैं जा रहा हूँ, होगा जब भी देगा लेकिन प्रभु दोगा, मेरे को धीरज बांध कर रखा हूँ। लोगों ने आपको कहा अलग अलग जगहों पे जाओ आपका काम हो जाएगा, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने बताया आपने विश्वास योग्यता को दिखाया और आप विश्वास योग्य रहे। मम्मा से मैंने मिला तो मम्मा ने मैंने मम्मा का भी सारे अपनी बातें बताया, जो भी प्रॉब्लम था सारे बताया। फिर मम्मा ने बोला कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, धीरज बांध के रखो, प्रभु देगा, आप इसी पे देगा, इसी चर्च में देगा। मैंने मम्मा को बोला मम्मा लोग बोलते हैं ऐसे तू दूसरे चर्च में चला जाओ वहाँ पर हो जाएगा। फिर मम्मा ने हमसे बोला देखो जहाँ मर्जी चला जाओ दूसरे चर्च में, लेकिन प्रभु एक ही है, चाहे जहाँ मर्जी चला जाओ भटकते रहोगे, यहीं पर अड़े रहो, खड़े रहो, बने रहो, प्रभु यहीं पर आपको देगा। मीटिंग हुई थी और आगे उनको बुलाया गया जिनके पास उनके पास बच्चे नहीं हैं और उनको फल दिया गया था उस समय पर। जी जब उस मीटिंग में आया तो मेरे को और ज़्यादा खुशी मिला, जो मम्मा ने, आत्मिक माँ ने जो फल दे रहा परमेश्वर की ओर से, जो मेरे को अंदर पूरा खुशी है, जब मेरा पूरा विश्वास एकदम तो और ज़्यादा बढ़ते गया। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था, से मैंने ग्रहण कर लिया से आज से मेरा हो चुका है, जो मैं सोचता भी था, जो मैं सोच रहा था वो हो चुका है मेरे को। मेरी वाइफ 2022 में 11वां महीना में प्रेग्नेंट था। 2016 में आपकी मैरिज हुई थी? हाँ जी 2016 में हुए थे। और आप 7 साल लगभग होने वाले हैं और उसके बाद आपके वाइफ प्रेग्नेंट हुए, और जो लोग कहते थे, डॉक्टर्स कहते थे कि ये कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, कभी बच्चे की आशीष आपको नहीं मिल सकती है, वो प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने एक बेबी के साथ इन्हें ब्लेस किया है। डॉक्टर बोलते थे कि बड़े ऑपरेशन के साथ ही बच्चा हो सकता है, और इसीलिए ये 9 दिन तक वेट करी। इन्होंने बोला कि परमेश्वर हमें नॉर्मल बच्चा देगा, नॉर्मल डिलीवरी के साथ, हम ऑपरेशन नहीं करे आएंगे, हम विश्वास करते हैं। और ये बता रहे 9वें दिन 5 अगस्त को परमेश्वर ने नॉर्मल डिलीवरी के साथ बेबी गर्ल के साथ आशीष दिया।
ये वो खुशी है जब भाई को परिवार को हालेलुया ढोल के साथ जब चर्च में एंटर हुए इस ब्लेसिंग का इस फल का आनंद ले रहे हैं जो परमेश्वर ने इनके जीवन में दिया। हालेलुया तारीफ करो सभी जोर से खुदा की इस अद्भुत अनोखी आशीष के लिए। ओ जीसस oh,